दोस्तों आज हम आपको एक ऐसी ट्रेन दिखाने वाले हैं आपने सपने में भी नहीं देखी होगी जी। ये 200 साल पुरानी है, दार्जिलिंग में है जी ये, जो कि वेस्ट बंगाल में पड़ता है। बिल्कुल नैरू गेज है, आप ये देखिए 2 फीट का गेज है, तकरीबन 200 साल पुराना है। और दुनिया यहाँ पे देखिए जी, फोटो लेने के लिए, वीडियो लेने के लिए रेंटा भाई भी खड़े हो चुके हैं जी। इस पूरी ट्रेन की आपको यात्रा कराएंगे, कोयले पे चलती है जी ये, कोयले पे। वीडियो को लाइक और शेयर कर दो अगर आपको भी भारतीय ट्रेन पे गर्व है। ये देखिए जी, ये ट्रेन आ चुकी है जी, ये ट्रेन आ चुकी है, देखिए कोयला डाला जा रहा है। ये देखिए जी, ये देखिए जी, ये देखिए, बहुत कमाल अतुल्य भारत की शानदार पहचान आप देख सकते हैं जी। ये देखिए, ये देखिए, ये सड़क के ऊपर चलती है जी। आ जाओ दर्शन स्टेशन बिल्कुल, ये लो जी यहाँ पर ये 10 मिनट के लिए रुकेगी और इसकी आपको पूरी यात्रा कराते हैं। क्या क्या सिस्टम है, इसकी टिकट एडवांस बुक होती है IRCTC पे। ट्रेन जो वेबसाइट है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं। हाँ भूपिंदर कैसा लगा भाई? अरे दर्शन जी पहली बार देख रहा हूँ यार, गजब हो गया। देखो गजब हो गया, कितनी ऊंचाई पे है दर्शन जी। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए सिर्फ बहुत नैरो गेज है, केवल 2 फीट का है भाई। ये देखो शीशे की है, पूरे की पूरी शीशे की, पूरे की शीशे। गदर फिल्म याद आ गई है ना भूपिंदर जी? गदर फिल्म याद आ गई ना? बिल्कुल। चलो ये लो जी, ये कोयले पे चलती है। ये देखिए जी, यहाँ ये देखिए जी, कोयले पे चलती है जी। ये देखो दर्शन जी, वही पुराना इंजन है, कोयले पे चलती है भाई, कोयले पे, कोयले पे। ये कोयले का इसकी चिमनी है, ये कोयला है भाई, देखो ये कोयला है। देखो इधर से पानी निकल रहा है गर्मा गर्म। अब आपको कोयला दिखाते हैं कहाँ पे, यहाँ से डालते हैं कोयला दर्शन जी, यहाँ से कोयला डालते हैं। ये देखो जी, यहाँ से कोयला डाला जाता है अगर आपको बाहर से करना है। ये देखो जी, यहाँ पर देखिए जी, यहाँ पर कोयला डाला जा रहा है। 5000 लोग जुड़े हुए भाई, एकदम से लाइक कर दो और शेयर कर दो और ऊपर से फॉलो कर लो भाई, आपको पूरी डिटेल देंगे। भाई साहब डाल रहे हैं इधर, कैसा लगा रिंटा भाई? अरे ये 10 मिनट रुकेगी यहाँ मेरी ट्रेन, बहुत ही गजब है। ये देखो जी, दुनिया फोटोज ले रही है इसके साथ भूपिंदर जी। बिल्कुल 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 बिल्कुल, देखिए दर्शन जी, अंग्रेजों के जमाने की है भूपिंदर जी, अंग्रेजों के जमाने की। ये देखिए जी, दुनिया पागल पगला गई है, देखो कितनी फोटोज ले रही है। ये देखो जी, ये दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल का दृश्य है। ये देखिए जी, ये देखिए, ये देखिए, बहुत ही अद्भुत, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। एक बात है दर्शन जी, इतनी ऊंचाई पे देखो ना। बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। और यहाँ पे देखिए जी, कितनी दुनिया आ गई है जी, देखो बहुत कमाल की, बहुत कमाल की। आपको एक पर पास से और दिखाते हैं। ये देखो जी, आप हमें सारी भेज सकते हैं अगर आपको हमारा काम पसंद आता है। ये देखिए जी, इधर इंजन की देख रेख जा रही है, मेहनत बहुत लगती है दर्शन जी। बिल्कुल, ये देखो जी, ये देखो जी, कोयले पे चलती है जी, बहुत पुराना, 200 साल लगा है, 200 साल और 80 किलोमीटर का ये ट्रैक है लगभग। और ये देखिए जी, अंदर की यात्रा करते हैं। और जो ये देखिए, सीटें वगैरह एडवांस लगा रखी हैं, अंदर से एक वीडियो लेके आते हैं, एक मिनट मिलेगा, अंदर से दिखाते हैं आपको। कल दर्शन जी हम भी जाएंगे इसके अंदर से। अच्छा जी, कल घूमने आएंगे हम फिर। ये देखो, ये देखो जी, अंदर से पूरा लग्जरी बना हुआ, लग्जरी बना रखा है, चाय के बगानों के बीचों बीच जाती है जी। ये देखिए जी, 6000 लोग जुड़ चुके हैं, लाइक और शेयर क्यों नहीं करते आप? अगर मेरे को इंडियन रेलवे सबसे ज़्यादा पसंद है इसलिए कि यहाँ पे ना अलग अलग तरीके से अलग आपको राजस्थान का टच भी मिलता है। आप कश्मीर में बन रहा है इस दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज, देखिए देखिए जी, बहुत ही शानदार। सीटें इसको आगे की तरफ भी लगा रखी हैं, पीछे की तरफ भी लगा रखी हैं। केवल 2 डिब्बे हैं जी, एक डिब्बा वो है और एक डिब्बा ये था। अरे दो तो इसलिए हैं दर्शन जी, आपको पता है पहाड़ी राज्य में से निकालना बिल्कुल, क्योंकि टर्न बिल्कुल पास पास में होते हैं। हाँ ये देखो जी, ये देखो जी, कितने लोग आए हैं इसको देखने के लिए, मजा आ गया ये। अरे दर्शन जी, सीट इतनी कंफर्टेबल है ना। अच्छा, आपको 50 लाख वाली गाड़ी में भी नहीं मिल सकती, आप बैठ के देख लीजिए एक बार। बिल्कुल जी, हाँ बैठ के देखिए जी आप, ये देखिए बढ़िया में एक नंबर है दर्शन जी, पूरा कम्फर्ट है ना। हाँ, हम भी आपकी फोटो वीडियो लेते हैं फिर आप मेरे बाद में, पहले दर्शकों को दिखा दे फिर बाद में। बिल्कुल जी बिल्कुल, ये देखो जी, ये इधर देखो जी, बिल्कुल। और ये देखो दर्शन जी, चारों तरफ से इंजन इतना गर्म हो चुका है ना, कहीं से धुआं, कहीं से पानी, कहीं से तेल निकल ही रहा है कुछ ना कुछ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये देखो भाई, ये देखो जी, कितने भीड़ है इसके आगे फोटो वीडियो लेने के लिए। ये देखो जी,
इसको टॉय ट्रेन बोला जाता है जी। ये दार्जिलिंग की पहचान है। शशंकर महतो जी, वेरी गुड सर, शानदार जी, थैंक यू। शेयर कर दो भाई, नाम ले रहा हूँ आपको, जगत पाल वर्मा जी। शेयर क्यों नहीं करते, शेयर कर दो भाई। और ये लूप बना रखा है भाई, ये वार मेमोरियल के पास लूप है, यानी कि ये ऐसे गोल घूम के उसी ट्रैक पे वापस चली जाती है, ठीक है ना। ये देखिए जी, अलग अलग तरीके से ट्रैक देखिए जी, कितना छोटा है, 2 फीट छोटा। और ये लूप है ना दर्शन जी, ये 1919 में बना था सर, अंग्रेजों ने ना उस टाइम में बनाया था, 1879 में। अच्छा, ये 1919 में बना था, 1800 कुछ में बनी हुई है सर, 1880 के दशक में, 1880 के साथ मैंने 1919 में पढ़ा था, तो उस टाइम में बनाया था ये। सुधार चलते रहते हैं ना, सीधी ढलान को ना नीचे रेलवे ट्रैक बनाने के लिए इस स्पेशल बनाया था ये लोग। बिल्कुल, ये पहाड़ था यहाँ पे। हाँ, और इस पे ना आपको अलग अलग तरीके से आपको एक चीज़ और दिखाते हैं यहाँ पे, ये देखो जी। और दर्शन जी एक बात और बताता हूँ, ये ट्रैक है ना जो 360 डिग्री का ना टर्न लेता है, 360 डिग्री यहाँ पे। अच्छा, ये देखो जी, ये दूर का दृश्य है इसका, और यहाँ पर ये वार मेमोरियल बनाना अपना बना रखा है, गोरखा, इंडियन गोरखा होते हैं उनकी, उसमें यहाँ से आप देखिए, यहाँ से आपको क्लियरली दिख रहा होगा। ये देखिए जी, ये देखिए, ये देखिए, कमाल है ना, मैंने तो पहली बार देखा दर्शन जी। आपने पहली बार देखा, हमने तो खुद पहली बार देखा है। बिल्कुल जी, बिल्कुल, बहुत कमाल की चीज़ दिखा दी हमने आपको। वीडियो को लाइक और शेयर कर दो भाई, दबा के, शेयर क्यों नहीं करते, जो लोग बंगाल से हैं, बिहार से हैं, इधर से, वो तो ज़रूर शेयर करें। आपके क्षेत्र की हम चीज़ें दिखा रहे हैं, आपकी क्षेत्रीय चीज़ें ज़्यादा लोग देखेंगे, ज़्यादा टूरिज्म आएगा तो ज़्यादा अर्निंग होगी आपकी। संजीव कुमार जी, बहुत सुंदर जगह है जी। राम राम जी दर्शन पाजी, राम राम अतुल कुमार जी। और स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं, और हमारे देश का झंडा ऐसे ही झूलता रहेगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल, ये वार मेमोरियल है जी। ये देखो जी, वार मेमोरियल है जी, ये गोरखाओं की याद में बनाया गया है, जो पहली स्वतंत्रता दिवस में यहाँ पे शहीद हुए थे, पहले स्वतंत्रता संग्राम में उनकी यादें बनाया गया है, और ये इस लूप के बीचों बीच में है, और यहाँ पे अलग अलग तरीके के प्लांट लगा रखे हैं। और अभी यहाँ पे ऑफ सीज़न है, ऑफ सीज़न में आप देखिए कितनी भीड़ है, जब यहाँ पे सीज़न रहता होगा तो कितनी ज़्यादा भीड़ रहती होगी। मोहम्मद अजीम जी, बहुत बहुत धन्यवाद, इसे बंद करवाओ, पोल्यूशन कर रही है भाई, पोल्यूशन नहीं है जी। अंकित भाई राजपूत, पोल्यूशन नहीं है भाई, यहाँ पे इतने पेड़ पौधे हैं ना, यहाँ पे पोल्यूशन वाली कोई चक्कर 200 साल से चल रही है, देश की शान है ये। बिल्कुल जी, बिल्कुल, ये कुछ ही ट्रेनें हैं जी, ये सिर्फ इनकी लेगेसी के लिए इसको ऐसे चलाया जा रहा है, लेगेसी के लिए, कि पहले 200 साल पहले कैसी टेक्नोलॉजी होती थी, कैसी नहीं होती थी। मुकेश सिद्धू जी, राम राम जी, राम राम ब्रो, राम राम। शेयर कर दो भाई, आपके नाम ले रहा हूँ मैं, तरुण कलाठिया जी, शेयर कर दो भाई, जो 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 शेयर करेगा उसका नाम लेंगे हम। अशोक पटेल जी, मोहम्मद फरमान ने शेयर किया है जी, उनका नाम ले दिया जी। और योगेश कुमार रोय, ये भी दार्जिलिंग में है, आपका नाम ले दिया जी। मोहम्मद सौरन, कोलो पर ऑल पर ही, पता नहीं क्या बोल रहे हैं भाई। प्रग्राम राम राम सा, राम राम जी, राम राम, राम राम जी। और हमने आपको ये ट्रेन दिखाई, और आपको दिखाएंगे भूपिंदर जी। लाइक शेयर फॉलो कैसे चाहिए आपको, 5000 लोग दिख रहे हैं। बिल्कुल, एक तो सबसे पहले दिल चाहिए, जो दूसरे नंबर पे, दूसरे नंबर पे है, और ऊपर जो फॉलो का बटन है यहाँ पे उसको दबा दो। हाँ, ये वाला फॉलो वाला बटन, और वीडियो को शेयर कर दो, ताकि हर मनुष्य तक पहुंच जाए, और उसको पता लगे भारत में ऐसी ऐसी चीजें हैं जो वो भी देखने में कभी पर्यटक आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। भीड़ देखो दर्शन जी, लपालप भरा हुआ है जी। बिल्कुल, दिनाजपुर से भी देख रहे हैं जी। ठीक है जी, हम भी इसके साथ फोटो वीडियो ले लेते हैं, और जो भाई हमें सपोर्ट करना चाहते हैं वो स्टार भेजना ना भूलें। थैंक यू सो मच, ये मैं था कैमरामैन। ठीक है जी, मेरा नाम दर्शन, और रेंटा भाई के साथ हम जय हिंद, दोनों आपको पूरे भारत की यात्रा कराते रहेंगे।